भगवान। बेड बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई, हाथ और मुंह की वाट लग गई। जो पुराना बेड था वो फिर से पूरा का पूरा तोड़ दिया। वहाँ पीछे दिखाओ जरा, ये सारा का सारा जो था तोड़ के किनारे कर दिया और हमें फिर से यहाँ मेहनत करनी पड़ गई। जरा इधर दिखाओ। और जो दूसरा बेड बना ये पूरा नया, दिखा देता हूँ ये बनाया कैसे। वैसे इतना मजबूत नहीं है पर कुत्ते के लिए ठीक है। ये पूरा का पूरा खुद बनाया है, इसमें कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है, सारा नया। थोड़ा टेढ़ा है पर हमारे पे औजार भी तो नहीं थे। काटने के नाम पे ये था और एक ये दो जंग लगी इसने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान। और हालत इतनी ख़राब, कितना टाइम हो गया होगा, आराम से हमें 3 से 4 घंटे हो गए इतना से काम मिले। हाँ, अगर इक्विपमेंट अच्छे होते तो पक्की बात कुछ ना कुछ नया करते, पर इसके हिसाब से काफ़ी मजबूत है। ऐसा नहीं है कि कहीं जाएगा। मैं बैठूँ, हाँ अगर मैं हिलूँ ना तो ठीक है, अगर हिलता नहीं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक और ही बैठ सकता है पर हिले ना अगर, क्योंकि बेस थोड़ा सा इसका उठा हुआ है, क्योंकि ये सीधे नहीं थे लकड़ियाँ। अगर हम पे कुछ प्लेन करने का होता तो सीधा कर लेते, है ना, प्लेन करने का रहता तो काम चल जाएगा हमारा, बहुत अच्छे से चल जाएगा। मतलब 1-1.5 साल की तो छुट्टी होगी, बाद में देखेंगे, तो इसे लगा देंगे अंदर। जी तो आज का दिन निकला हमारा इस गधे चेरी का बेड बनाने में। इसने बहुत परेशान कर रखा है, अब ये आदत पड़ गई है इसे साथ में जाने की। अगर इसे लेके ना जाओ, लेके क्या, मॉर्निंग में तो जॉगिंग में लेके जा ही रहा हूँ, उसके बावजूद भी इसे घूमना होता है बहुत, नहीं तो ये परेशान करता है ज़्यादा। अभी देखो खींचता जा रहा मुझे। तो दिन में इसका बेड बना, बेड बनने में बहुत हालत ख़राब हुई, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम तो जो पुराना था उसे पहले रिपेयर करने में लगा, लास्ट में जब गुस्सा आया तो मैंने उसे तोड़ दिया तरीके से। तोड़ने के बाद मैंने फिर से उसे फिर जो नया है
नई की तैयारी की। हमारे पे अच्छे से इक्विपमेंट नहीं थे काटने का, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमारे, 3 से 4 घंटे लग गए और बहुत ज़्यादा एफर्ट। अब जो ये काम करते होंगे वो नहीं पता होगा कि बिना इक्विपमेंट के कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उसे करने में, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा और मेहनत भी लगी। फाइनली बन गया, काफ़ी ठीक है डॉग के लिए तो ठीक है, अगर इक्विपमेंट आ जाए तो अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा घर में, और एक नया बेड बना लूँगा इसके लिए। कोशिश करते हैं अगर कोई आता है तो किसी से मंगवा दूँगा वहाँ से। बाकी उसके बाद एक छोटा सा मुंडन था गांव में बच्चे का, ये फ़ोटो देख रहे होंगे आप, इस बच्चे का मुंडन था, कोई बड़ी गैदरिंग थी नहीं, गांव के लोग थे, मास्क पहन के गए, एक दो फ़ोटो ली बच्चे की और वापस आ गए। दिन में सो गए थे, देन फिर ये चेरी का क्याऊँ 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 लाना शुरू, उसके बाद इसे घुमाया, एक बार तो घुमा दिया, इसका मन दोबारा घूम लिया था, अभी दोबारा भी घुमा दिया, इसे घूमता रहता है साला। शाम के 6:30 हो गई है, बस मौसम मज़ेदार है, शाम को देखने में मज़ा आ जाता है, रात थोड़ी ठंड में गुजरती है पर शाम को अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आसपास टहलने के लिए बहुत सारी जगह है, देहरादून की तरह नहीं कि कमरों में बंद रहो लॉकडाउन में, वैसे तो देहरादून भी बहुत बढ़िया है पर जब लॉकडाउन है उस टाइम पे कमरे के अंदर बंद रहना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कल की वीडियो देखते हैं, एक दूसरा काम जो पेंडिंग है उसे करेंगे कल से शुरू। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करो कैसी वीडियो लगी आपको। आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।